डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 एक्सरसाइज 13 सी को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, स्टेट द यूलर्स फॉर्मूला फॉर पॉलीहेड्रॉन्स। अब ये यूलर्स फॉर्मूला क्या है, वो है एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। अब ये F क्या है, V क्या है, E क्या है? F होता है फेस, नंबर ऑफ फेसेस, प्लस ये होता है वर्टसेस, 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 और E होता है एजेस इज इक्वल टू 2। अब फेस कौन से होते हैं, फेस होते हैं, जैसे आपने लूडो खेली होगी तो उसमें आप क्यूबॉइड जो लेते हैं उसके ऊपर मैक्सिमम काउंटिंग कहां तक होती है, 6 तक। तो इसके जो टोटल फेसेस होते हैं वो कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। फेस होता है ये पूरा जो हमें दिखाई दे रहा है, वर्टिसेस होते हैं कोने, ये जो है कॉर्नर, तो इसके कॉर्नर जो है ये वाले होते हैं 8 कॉर्नर्स होते हैं, इसके 8 कोने होते हैं, और दो कॉर्नर को मिलाने वाली जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं एज, किनारा जिसको बोलते हैं, दो कॉर्नर को मिलाने वाली, बात समझ आई। और चार ये जो कॉर्नर हैं वो मिलके इधर वाला पूरा फेस बना रहे हैं, फेस होता है ये बीच वाला जो जगह है, और कॉर्नर होते हैं वर्टिसेस, और दो कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन होती है एज, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, ये हमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो है वो है, वेरीफाई दैट द यूलर्स फॉर्मूला इज ट्रू फॉर द फॉलोइंग पॉलीहेड्रॉन्स, क्या वो इनके लिए ट्रू है। अब इसमें हमें वही फॉर्मूला तो वही रखना है, एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। अब ये जो फर्स्ट शेप है क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड में फेस 6 होते हैं, 4 इस तरह से होंगे, चारों तरफ 2 ऊपर और नीचे होते हैं, तो ये फेसिस होते हैं हमारे 6, तो हम यहां लिखेंगे 6 प्लस वर्टिसेस कोने होते हैं ये वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 इसके कॉर्नर हैं, वर्टिसेस हैं, तो 8 प्लस एजेस होती हैं इसकी 12, कैसे, 4 इस तरह से 1, 2, 3 और 4, फिर 4 नीचे हैं, 1, 2, 3 और 4 एजेस किनारे नीचे हैं और 4 ही ऊपर हैं, तो टोटल हो गए 12। तो आंसर जो है वो 2 ही आना चाहिए, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया हमने, यहाँ पे माइनस लिखना है हमें, 8 प्लस 6 होता है 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2, अब 14 में से 12 गया, 2 इज इक्वल टू 2, तो इट इज ट्रू फॉर क्यूबॉइड। नेक्स्ट जो है हमारा वो है ट्रायंगुलर प्रिज्म, इसके अंदर जो फेस होंगे वो है हमारे 5 फेसेस, कैसे, 2 तो है ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, और 3 फेस होंगे इस तरह से, एक इधर वाला और एक इसके पीछे है, ठीक है, इस तरफ नीचे की तरफ, उधर से अगर देखेंगे तो वो फेस हमें दिखाई देगा इस लाइन के साथ जो पीछे की तरफ है, और इस लाइन के साथ जो इधर वाला फेस है, और ये जो है इधर वाला, 3 फेस इस तरह से होते हैं सराउंडिंग में, और एक ऊपर और एक नीचे। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। अब फेस हो जाएंगे इसके 5 प्लस वर्टिसेस जो है वो होंगी इसकी 6, कैसे, 1, 2, 3, 3 ऊपर है और 3 ही कोने जो है कॉर्नर्स नीचे हैं, तो 6 हो गया, माइनस एजिस हैं इसकी 9, कैसे, 1, 2, 3, 3 एजिस सराउंडिंग, 3 एजिस अप, 3 एजिस डाउन, तो टोटल हो गई 9। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, 2 आएगा, 5 और 6, 11 माइनस 9, 2 इज इक्वल टू 2, तो इट इज ट्रू फॉर ट्रायंगुलर प्रिज्म। नेक्स्ट शेप जो है वो है हमारी हेक्साहेड्रॉन। इसके अंदर जो है, यहाँ पर जो है शेप में तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन इसमें जो है ये हमारा 6 फेसेस से मिलके बनता है, 6 फेसेस को फोल्ड करें तो बनता है, 3 फेसेस ऊपर की तरफ, 3 नीचे की तरफ फेसेस हैं, तो फेस इसके लेंगे 6, और जो कोने होते हैं अगर इसको अनफोल्ड किया जाए तो इसके कॉर्नर जो होंगे वो आपके 8 कॉर्नर्स बनते हैं,
8 कॉर्नर्स बनते हैं और एजिस होती हैं 12। तो इसको सॉल्व करते हैं 14-12 2 इज इक्वल टू 2, तो इट इज ट्रू फॉर हेक्साहेड्रॉन हेक्साहेड्रॉन। और उसके बाद है स्क्वायर पिरामिड, इसका जो है स्क्वायर पिरामिड जो है वो है फेस हमारे बनेंगे यहाँ पे एफ सेम वही फॉर्मूला प्लस वी माइनस ए इज इक्वल टू 2। फेसिस इसके होते हैं 5 कैसे होते हैं, एक नीचे की तरफ स्क्वायर फेस और 4 फेस ऊपर की तरफ होते हैं, तो 5 फेसिस प्लस वर्टिसेस होती हैं 5 1 2 3 4 5 और एजिस होती हैं इसकी 8। तो सॉल्व करते हैं 10-8 तो 2 इज इक्वल टू 2, तो इट इज ट्रू फॉर स्क्वायर पिरामिड। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो है 13C, इसको हमने कंप्लीट किया। और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लेटेस्ट जो हमारी वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें, इसलिए आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।